तो यहाँ पूरा सब्जी भाजी से लेकर मेले में सब चीज़ आए हुए हैं और अभी शुरुआत नहीं हुआ है। उधर देखेंगे आपको बड़ा बड़ा झूला नज़र आएगा, आकाश झूला, और भैया लोग अभी तैयारी कर ही रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है भीड़ चालू हो जाएगा। वाह, अच्छा 1200 का टुकनी आपको दिखाता हूँ मैं, इधर बना हुआ है पूरा, कौड़ी लगा है इसमें, कौड़ी बोलते हैं ना आप लोग भी, कौड़ी लगा हुआ है इसमें पूरा, और इसका रेट है 1200 रुपये। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ के लोकल मार्केट में आप खरीदारी करके ले सकते हैं। इसे कहाँ पहनते हैं दीदी? इसको बाँह में, बाँह पट्टा, ये भी काफ़ी आकर्षित होते हैं जब पहनते हैं लोग तो, और नृत्य में पहनते तो भारत का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर नृत्य गौर नृत्य का, मुंडा गांव जो है शिल्प कला, काष्ठ शिल्प और ढोकला आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बेलमेटा से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, मूर्ति है, ढोकला आर्ट है, बस्तर की संस्कृति को इसमें निखारा जाता है। बिछा के, अच्छा शादी होता है इसी को बिछा के बैठते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा शादी में इसका काम ज़्यादा आता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले कोंडागांव जिले के लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मर्दापाल क्षेत्र में यहां पर लगा है मेला जो कि साल में एक बार लगता है। तो छत्तीसगढ़ में ही पूरा देश विदेश में अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के मेले का आयोजन होता है, बाजार लगता है जिसमें उस क्षेत्र के अनुसार, वेशभूषा के अनुसार, बोली भाषा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार मेला मड़ई का आयोजन किया जाता है। तो इसी कड़ी में जुड़ा है बस्तर का यहाँ मर्दापाल का मेला। तो इस मेले का आयोजन का क्या खास बात है, यहाँ भी हम पहुँचे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ के प्रमुख व्यंजन और वेशभूषा, बोली भाषा, रीति रिवाज से जुड़ी अनोखी अनोखी चीज़ जिसके लिए यहाँ के दूर दराज से लोग, ग्रामीण अंचल से यहाँ खरीदारी करने के साथ साथ मनोरंजन का विषय साल में एक बार मानते हैं। तो हम लोग नाच देखने आते हैं रात को, नाच, अच्छा रात को यहाँ नाच भी होता है, तो भाई बता रहे रात को नाच होता है, आप यही क्यों ना, मैं लोकल यहीं का हूँ, रहता कुंडा गाँव में। अच्छा रहता कुंडा गाँव में है, लेकिन लोकल यहीं के हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी है इस क्षेत्र के बारे में। और यहाँ पर मिल रहा है ड्रेस, ये देवी देवता वाला ड्रेस, बेल मेटल के बहुत सारे आर्ट बनते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग बनाते हैं, उसमें से एक ये है जिसे मोहरी बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, तोड़ी बोलते हैं यहाँ, कोड़ी बोलते हैं, तोड़ी तोड़ी कोड़ी, इसको बजाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, ये किसी से बजना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसको बजा के देखते हैं, अगर बज जाते हैं तो ऐसे ही पकड़ते हैं। वाह बहुत अच्छा आवाज है दादा, एक बार और बजा दिए। बहुत बढ़िया बजा है। अच्छा इसको ना बता रहे दीदी कि नाचने वाले पहनते हैं, सिंग वाला है कहते हैं, और इसको मैं ही पहन के देख रहा हूँ कैसा लगता है। अरे मेरे हो नहीं रहे, अच्छा बड़ा हो रहा है इसमें, ये छोटा आता है तो इसको पहन के डांस करते हैं, गौर डांस में पूरा कौड़ी कितना हो, तो हर बार कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ मैं, पिछले बार आया था तो वो लेके गया था, पुत्री वो बोलते हैं सिक्का का जो माला होता है वो लेके गया था, इस बार मैं बाँह का ले जा रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं बाँह पट्टा, बाँह पट्टा, ये भी काफ़ी आकर्षित होते हैं जब पहनते हैं लोग तो, और नृत्य में पहनते तो और अच्छा लगता है जब नृत्य करते हैं, तो इसमें पूरा कौड़ी लगा हुआ है, इसको मैं ले रहा हूँ अभी 200 रुपये बोले थे भैया मेरे, डिस्काउंट किए 50 रुपये, तो 150 में दो ले रहे हैं। तो बहुत सुंदर दिख रहा है भाई, ये जो कौड़ी बना के सजाए हैं टोकरी, बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर जतवा है,
अधिकतर जंगल क्षेत्रों में अंदरूनी इलाकों में मशीन से धान की कुटाई मिसाई नहीं हो पाता है, तो ये लोग स्थानीय निवासी लोग इसी से पारंपरिक विधि से रागी कोदो कुटकी दाल को पिसाई करते हैं। तो ये है जतवा, हम लोग बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र में, ये लोग अपने क्षेत्र में कुछ और नाम से जानते होंगे। यहाँ पर सिलौटी है, सिलोढ़ा सिलौटी, यहाँ पर ये चटनी वाला है, जब चटनी तैयार करते हैं तो इसमें करते हैं 15 से 1 ठो। पूरा परिवार ये काम करता है, छोटा बड़ा कई प्रकार के आकृति में बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ये चाकू, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि जब बस्तर जाइएगा तो ये वाला चाकू लेके आइएगा, लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए करके, तो जवाब नहीं मिल पाता है तो नहीं ले जाता हूँ। यहाँ पर कई प्रकार के हैं। ये क्या है भैया? ये अलग चीज़ है, कुछ अलग है ये। हाँ, कितना वाला है ये? 60 रुपये का, कुछ ज़्यादा महंगा का नहीं है। सब्जी काटने के लिए कौन सा ठीक रहेगा? ये वाला बनेगा सब्जी काटने के लिए। कौन सा ठीक काटने के लिए बराबर रहता है ये? ठीक है क्या सब्जी काटने के लिए? धार होगा इसमें? कितना का है? 50 रुपये। हाँ भैया 50 रुपये बोल रहे। मैं उस चीज़ से कोई चाकू मंगाया था पर मुझे याद नहीं है कौन मंगाया था। अगर वीडियो देख रहा होगा तो मैं ले जा रहा हूँ, ले रहा हूँ, आप कमेंट करके ले सकते हो मेरे से। कुंडा गांव जो है शिल्प कला, काष्ठ शिल्प और ढोकला आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बेलमेटा से बहुत सारे सामान, सबरी एम्पोरियम, हाँ हाँ हाँ, वहाँ आप लोग बेचते हैं सबरी एम्पोरियम में? अच्छा, उससे सस्ता भी यहाँ पड़ेगा मार्केट में, आप लेंगे तो वहाँ ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ कम पड़ेगा। हाँ, तो सबरी एम्पोरियम में ज़्यादा पड़ेगा आपको, अगर आप यहाँ लोकल आके ख़रीदारी करते हैं तो वह आपको काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। ये सब दीदी लोग अपने हाथ से बनाए हुए हैं, झाड़ू है, चटाई है। हाँ, हाथ से बनाए हो? कहाँ से आए हो दाई? एक क्या क्या से बना है? बोता एक काड़ी, ताड़ी का, अच्छा उसी का पेड़ का है। दाई लोग बता रहे हैं कि वो क्या क्या काम आता है, लेकिन मुझे हल भी नहीं आता तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया। वो बाकी बता रहे हैं कि वो जो पेड़ होता है छीन का, उसका बनाए हुए हैं और शादी में उसका विशेष भूमिका होता है, देखने को मिलता है, ऐसा वो लोग अपने भाषा में बता रहे थे। कितना का होगा वो मग्गा? 20 रुपये का। हाँ, रसगुल्ला को इस प्रकार पॉलीथीन में भर के टांगे हुए हैं, और ये 20 वाला 10 वाला ऐसा कुछ है, आप देख सकते हैं। वाह, अच्छा मीठा पोहा, चना, अच्छा क्या का बना है वो? क्या का? गुड़ का बना है। अच्छा, खराब नहीं होता कभी? बिल्कुल, साल भर, साल भर खराब नहीं होगा। गुड़िया खाजा, गुड़िया खाजा। हाँ, गुड़िया खाजा, तो कोई भी गुड़िया होगा वो आके खा सकते हैं। कोई गुड़िया को आके खा सकते हैं। अच्छा, आप एक गुड़िया है। यहाँ पर पूरा बांस से बनाया हुआ सामान है, सब जंगल से आए हुए हैं, कितनी सामान रखने के लिए काम आता है विशेषकर। और इसी का झूला बनाते हैं दादा? चैनल को लाइक करो भी बोलने क्या? हाँ बोलो ना, चैनल को लाइक करो कह के।